नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसिस से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत बाहर के भी है, पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो चलिए इस सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डायासिटिल मॉर्फिन। तो ये जो डायासिटिल मॉर्फिन है वो किसे कहेंगे? ऑप्शन दिया है, कोडीन, नार्कोटिन, पापावेरिन या फिर हीरोइन। तो देखना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो भी डायासिटिल मॉर्फिन होता है ना, वो हीरोइन होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को लेके कभी कंफ्यूज मत होना। डायासिटिल मॉर्फिन किसे कहते हैं? हीरोइन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथिल मॉर्फिन। देखो, यम यम, मिथिल मॉर्फिन, यम यम किसे कहेंगे? ऑप्शन है, कोडीन, नार्कोटिन, पापावेरिन या फिर हीरोइन। तो हीरोइन तो देख लिया, डायासिटिल मॉर्फिन है, तो मिथिल मॉर्फिन कौन बनेगा? ये बनेगा कोडीन, मिथिल। यम यम को ही मिथिल मॉर्फिन बोलते हैं, यम यम को ही मिथिल मॉर्फिन बोलते हैं। देखो फिर से, यहाँ कोकेन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, इसे कोडीन है, ठीक है। मिथिल मॉर्फिन का यम यम का कोड क्या है? कोडीन है। नेक्स्ट देखते हैं, द जनरल टेस्ट टू डिटेक्ट ओपियम इज बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ। देखो, ये क्वेश्चन हमने हमारे लेक्चर में किया है, ओपियम पढ़ते वक्त तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होना चाहिए ओपियम डिटेक्ट करने के लिए? मैलोनिक एसिड, मेकोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो इसका सही जवाब क्या है? मेकोनिक एसिड। ये मेकोनिक एसिड बोलता है ना, मैं कौन हूँ, तो आप ओपियम को पहचानने वाले इंस्पेक्टर हो, ऐसा हमने याद रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, डायाफोरेटिक इज रिलेटेड टू। डायाफोरेटिक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन सेक्स स्टेमिना, इंक्रीज इन सलाइवा सिक्रीशन, इंक्रीज इन स्वेटिंग या फिर इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो डायाफोरेटिक होता है वो होता है इंक्रीज इन स्वेटिंग, स्वेटिंग से रिलेटेड होता है। और एंटी डायफोरेटिक क्या होगा? जो स्वेटिंग को डिक्रीज करेगा, ठीक है। सलाइवा सिक्रीशन को क्या बोलना है? सियालो गोग्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलना है? सियालो गोग्यू, जो हमारा सलाइवा सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ठीक है। सेक्स स्टैमिना से रिलेटेड होगा तो एफ्रोडिजियाक बोलते हैं। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को जो कंट्रोल करे ना, उसको ऑक्सीटोसिक बोलते हैं। तो इसे याद रख लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एंटी फ्लॉजिस्टिक एजेंट कैन। अब एंटी फ्लॉजिस्टिक क्या करेंगे? रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, रिड्यूस द फेवर, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक कैनाल या फिर रिड्यूसेस डिसेंट्री। तो इसका सही जवाब है, एंटी फ्लोजिस्टिक एजेंट रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन, ठीक है, याद रख लेना है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स आर किसे कहेंगे? एनाल्जेसिक्स को, एंथेलमिंटिक्स को, एनालेप्टिक्स को या फिर एनास्थेटिक्स को। तो रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स आर एनालेप्टिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज, जो नेचुरली मिलता है विटामिन ए का फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं? रेटिनाल, रेटिनॉल, ट्रिटिनोइन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो दोस्तों, ये तो विटामिन ए के ही नाम है, पर इसका सही जवाब है ट्रिटिनोइन। जो नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ विटामिन ए है ना, वो होता है एक्चुअली रेटिनोइक एसिड, और ये रेटिनोइक एसिड को ही ट्रिटिनोइन बोलते हैं। तो इसका जवाब है ट्रिटिनोइन या फिर
रेटिनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन को एंजाइम Q10 10 रेफर्स टू, ठीक है, ये क्यू किसके लिए रेफर होता है? क्विनोन के लिए होता है। और 10 किसके लिए होता है? ऑप्शन दिए एसिटिल को ए यूनिट, आइसोप्रेनिल यूनिट, ग्लूकोज यूनिट या फिर फ्रुक्टोज यूनिट। तो ये 10 जो होता है वो आइसोप्रेनिल यूनिट के लिए होता है दोस्तों, आइसोप्रेनिल यूनिट। और क्यू जो है ना वो क्विनोन के लिए होता है। और इस को एंजाइम Q10 को क्या बोलते हैं? यूबी क्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबी क्विनोन करके, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है, एनाबेसिन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। एनाबेसिन किस में प्रेजेंट होता है? एनाबेसिन डेरिस में, पायरेथ्रम में, टोबैको में या सबाडिला में। तो ये एनाबेसिन जो है वो होता है टोबैको में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी फैमिली सोलेनसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी, टूलिप क्या है? टूलिप एलर्जिक पोलन एक्सट्रैक्ट है, एलर्जिक फंगल एक्सट्रैक्ट है, एलर्जिक इंसेक्ट एक्सट्रैक्ट है या फिर फूड मटेरियल कॉजिंग एलर्जी है। ये टूलिप क्या है? तो टूलिप है एलर्जिक पोलन एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फूड एलर्जन भी होता है जिसका नाम है टर्निप करके होता है, टर्निप। तो ये टर्निप को टुलिप के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। ये टर्निप है और ये टुलिप है, और टुलिप जो है ना वो पोलन एक्सट्रैक्ट होता है एलर्जिक, और ये जो है फूड मटेरियल से रिलेटेड है टर्निप। और ये बाकी फंगल एक्सट्रैक्ट, इंसेक्ट एक्सट्रैक्ट जो भी एलर्जिक है वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, तो उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि किस दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सको, अच्छे से पढ़ाई आपकी हो सके। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स भी करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आयुर्वेदा से क्वेश्चन है, लवण इज विच टाइप ऑफ रसा। रसा मतलब क्या? टेस्ट। तो लवण जो है वो विच टाइप ऑफ टेस्ट है, कौन सा टेस्ट होता है लवण? ऑप्शन दिए है पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट या फिर सलाइन। तो लवण जो होता है ना वो होता है सलाइन करके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। ये यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट दिया है, इसको कसाया बोलते हैं, ये जो होता है ना ये कसाया रसा होता है, कसाया करके एस्ट्रिंजेंट। ये पंजेंट होता है तो ये तिक्ता करके होता है, मतलब तो तीखा होता है ना, ये तिक्ता होता है। और ये स्वीट है, स्वीट को मधुर बोलते हैं। और ये जो लवण पूछा है यहाँ पे उसको सलाइन बोलते हैं, ये याद रख लेना। ये यन है ना इसमें, तो ये यन इसमें भी है सलाइन में, तो लवण से सलाइन को याद रख लेना, और ये एस्ट्रिंजेंट है उसको कसाया से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन आयुर्वेदा पेस्ट इज टर्म एज, जो भी फाइन पेस्ट होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में? कज्जाली, कालका, घृता या फिर घनासार। तो क्या बोलेंगे? तो ये जो फाइन पेस्ट होता है इसको बोलते हैं कालका, ठीक है। ऐसा बोलना है यहाँ पे, कोई अलका है जो अलका क्या कर रही है, पेस्ट से दांत घस रही है अपनी, ठीक है। तो पेस्ट जो है वो अलका कालका को देनी है, ठीक है। या घनासार है, घनासार मतलब क्या? ये घन हो गया, घन यानी कि क्या? सॉलिड से रिलेटेड हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन लाइक जाम्स आर। जाम्स जो होते हैं ना सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये क्या होते हैं? पिस्टी, निकाढ़ा, प्राश या फिर अंजना। तो ये भी आयुर्वेदा से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है? जाम्स बोलते हैं ये प्राश को, ठीक है। ये अंजन है ना, ये अंजन जो है वो आंखों में लगाने काम आता है, तो इसे अंजन होता है, ठीक है। नेत्रबिंदु और अंजन जो है वो आंखों में लगाने के काम आती है। नेक्स्ट, ये पिस्टी जो होती है वो भस्मा की तरह होती है। नेक्स्ट है थॉमेटिन क्या है? थॉमेटिन ऑप्शन दिए रेजिन है, प्रोटीन है, फैट है या फिर टैनिन है। तो
थोमैटिन क्या है? तो थोमैटिन है एक प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे फार्माकोग्नोसिस इक्वेशंस था। नेक्स्ट देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट्स, तो नीचे दिए गए में से कौन फैट नहीं है, ठीक है। ये नॉट को अंडरलाइन कर लेना है, नॉट फैट। ऑप्शन है लार्ड, स्वेट, कोकोआ बटर या फिर स्टोरैक्स। तो लार्ड तो फैट है, स्वेट भी फैट है, कोकोआ बटर तो फैटी है, ठीक है। कोकोआ बटर को क्या बोलते हैं? थियोब्रोम बोलते हैं, थियोब्रोमा। और ये स्टोरैक्स जो है ना, ये एक रेजिन है। तो इसका जवाब हो गया स्टोरैक्स। स्टोरैक्स फैट नहीं है, ये एक रेजिन है। तो ये लार्ड और स्वेट को भी अच्छे से याद रख लेना, ये फैट्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। बहुत से कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चंस आपको ये अच्छे लग रहे हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो तभी जाके मैंने एक और वीडियो इस क्वेश्चंस आंसर टाइप पे बना दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर भी अगर आपको पसंद आ जाए ना, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, और आप कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं उसे पढ़ता हूँ और उस पर अमल करने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एन एंजाइम मॉइटी कंप्राइजेस ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड एज, देखो एंजाइम मॉइटी जो होती है ना, उसमें दो कंपोनेंट, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो यहाँ पूछा है जो भी प्रोटीन पार्ट है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए हैं को एंजाइम, को फैक्टर, अपो एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो भी प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम में, उसे बोलते हैं अपो एंजाइम, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे बोलते हैं को एंजाइम, उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं को फैक्टर, और उसी को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये जो तीनों है ना, ये सिनोनिम है। तो ये किसके लिए? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, और प्रोटीन कंपोनेंट के लिए अपो एंजाइम, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, एग्जाम में आपसे गलत ना हो जाए, इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किंग्स क्योर ऑल इज अ सिनोनिम फॉर विच ऑयल, किंग्स क्योर ऑल ये किसका सिनोनिम है? ऑप्शंस में है इवनिंग प्राइम रोज ऑयल, जोजोबा ऑयल, कारंजा ऑयल या फिर लिंसीड ऑयल। तो ये जो किंग्स क्योर ऑयल, क्योर ऑल होता है ना, वो इवनिंग प्राइम रोज ऑयल में होता है, ठीक है। ये जो भी मतलब क्लॉटिंग होती है ना, ये क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है। तो याद रख लेना कि किसी किंग्स को क्लॉट हुआ है, तो इवनिंग प्राइम रोज ऑयल से वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये किंग्स क्योर ऑल इवनिंग प्राइम रोज ऑयल का सिनोनिम है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्राइंग ऑयल। तो ये भी आपको देख लेने हैं, जो भी ड्राइंग ऑयल है, नॉन ड्राइंग है, फैट्स है या फिर सेमी ड्राइंग ऑयल है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो सेमी ड्राइंग ऑयल के लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं हेम्प ऑयल, लिंसीड ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर सीसेम ऑयल। तो देखो ये सेमी ड्राइंग ऑयल पूछा है, तो इसका जवाब है सीसेम ऑयल। यहाँ पे जो हेम्प ऑयल दिया है वो ड्राइंग ऑयल होता है, लिंसीड ऑयल भी एक ड्राइंग ऑयल है, ये आलमंड ऑयल जो आता है ना वो नॉन ड्राइंग में आता है, और ये सीसेम ऑयल, देखो नाम में ही है सेमी, सेमी सीसेम, सेमी सीसेम, तो ये सेमी ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल है सीसेम ऑयल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स को याद रख लेना है, ताकि क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। ऐसे ट्रिकी सवाल बन जाते हैं दोस्तों, जब हमारे पूरे मार्क्स होते हैं और आखिरी आखिरी में जब सिलेक्शन का कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चंस मैटर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 12 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, देखो 12 कार्बन वाला सैचुरेटेड मतलब पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ना डबल ना ट्रिपल। तो ऐसा कौन सा फैटी एसिड है जिसमें 12 कार्बन हो? ऑप्शन दिए कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, अरेचिडिक एसिड या फिर बेहनिक एसिड। तो देखो ये 12 कार्बन का है ना, तो इसका जवाब है लॉरिक एसिड, ठीक है। देखो ए बी सी डी में यल जो आता है ना, वो 12 नंबर पे आता है यल, तो इसीलिए इसमें 12 कार्बन होते हैं, ऐसे याद रख लेना आपने। ये कैप्रिक है तो इसमें 10 कार्बन होते हैं,
ये अरेचिडिनिक होता है, इसमें 20 कार्बन होते हैं, और ये बहनिक है ना, इसमें 22 कार्बन होते हैं, और ये सब के सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है, और इसमें होते हैं 12 कार्बन। ठीक है, तो आंसर हुआ लॉरिक एसिड। तो आपको ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट है इन सिलिका जेल जी, जो भी TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं ना, ये सिलिका जेल जी में जो भी जी स्टैंड्स फॉर जिप्सम, जी स्टैंड्स फॉर जिप्सम के लिए, और जिप्सम स्टैंड्स फॉर विच साल्ट। तो ये जो जिप्सम है ना, इसमें इसका मतलब कौन सा साल्ट होता है, कौन से साल्ट को जिप्सम बोलते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। तो देखो इस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो लेना, फिट कर लेना अब दिमाग में। इसका जवाब है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट करके होता है। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और ये कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी भूलना नहीं है। जिप्सम यानी क्या? कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट चलना है हमें, इसे याद रख लेना दोस्तों। सिलिका जेल का आपने अगर स्लाइड बनाया हो ना, तो व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो बस ऐसे याद रख लेना इसको, हमारा चौक कैल्शियम है ना, वो कैल्शियम भी सफ़ेद ही होता है। डेक्सट्रान, डेक्सट्रान इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेक्सट्रान किसका प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च या फिर एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। तो देखो इसका जवाब है डेक्सट्रान इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज का होता है। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से जो मिलता है वो डेक्सट्रीन होता है, इसे भी याद रख लेना। डेक्सट्रान जो है वो एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गंभीरीज, गंभीर किसे कहते हैं, किसका सिनोनिम है? पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू, खादिर कैटेचू या फिर कत्था। तो गंभीर जो बोलते हैं ना, वो पेल कैटेचू को बोलते हैं, और ये बाकी सब सिनोनिम है ब्लैक कैटेचू के। ब्लैक कैटेचू को खादिर कैटेचू बोलते हैं या फिर कत्था बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट जैसे कि मैंने कहा कमेंट करते रहना दोस्तों। जब भी वीडियो देखोगे ना कुछ कमेंट करना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाएंगे, और हमारे जो भी फार्मा कोर सब्जेक्ट्स है वहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।